किड, और मैंने जो डर देखा है मेरे फादर की आंखों में, मेरे बड़े पापा की आंखों में, इवन माय मदर, एवरीबडी वाज स्कैर्ड दैट व्हाट इज हैपनिंग. एंड ये चीज वहीं से आई है कि अब वो वाली चीज भी छोड़ के अगर एक और चीज बताऊं मैं, दैट माय मदर एंड जो मेरी बड़ी मम्मा थे, उन्होंने फटाफट अपनी बिंदी हटा दी. ये फियर क्यों है, बिंदी हटाने का पॉइंट क्या था? तो वो चीज आई थिंक, इतनी छोटी थी मैं, वो चीज मेरे दिमाग में, इट्स इम्बाइब्ड. आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट. इट मींस द फियर इज स्टिल देयर, आइडेंटिटी एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, द क्राइसिस इज ओवर देयर. क्योंकि वो बिंदी हटाते ही वी वर ऑल्सो लाइक स्केयर्ड कि अच्छा क्या हो रहा है, ओके ओके अगर हमने बिंदी लगाई है तो दे विल नो दैट वी आर हिंदूज, और तभी हमने बिंदी हटा दी. तो आई थिंक वो बचपन से ही जो फियर है ऑफ नॉट गोइंग बैक टू आवर होमलैंड, वो वहीं से ग्रो हुआ. बिकॉज वी आर स्टिल स्केयर्ड, वी स्टिल स्केयर्ड, एंड नॉट जस्ट अस, इवन इफ हम लोग ट्राई भी करें पुट फॉरवर्ड कुछ भी करने का, वो दिमाग में फियर रहेगा ही, दैट आवर पेरेंट्स आर ऑल्सो स्केयर्ड. वो भी एक टाइम पे, वो हमसे बड़े हैं, उन्हें तो नहीं डरना चाहिए ना, बट वो भी डर रहे हैं. तो आई थिंक दैट has actually, मतलब जितने भी बच्चे होंगे यहाँ पे, जितनी भी यूथ होगी, हेलो, आई एम ऑडिबल, ओके. तो हेलो, ओके. सो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का पॉइंट यही था. नाउ आई विल कम टू द कम्युनिटी डायनामिक्स, जो ऑलरेडी इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है काफी, कि वी आर ब्यूटिफुल. हेलो, या वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड अपने में ही, दैट हम कौन से रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. तो जब तक वो चीज नहीं हो गया, आई थिंक वो तभी आएगा जब एक्चुअली में हम लोग सारे मिलके ऐसे सेमिनार्स या फिर कॉम्पिटिशन ये सब करते रहे. और इससे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, बहुत प्रोमिनेंट चीज आती है, हमारा कश्मीरी डांस होता क्या है, नाम क्या होता है हमारे कश्मीरी डांस का, रूप डांस, एग्जैक्टली. बट क्या हमें पता है, क्या हमें सिखाया जाता है बचपन से कि रूप डांस है ये? हम क्लासिकल डांस सीखते हैं, हम कथक सीखते हैं, हम भरतनाट्यम सीखते हैं, बट हमें क्या कभी भी हमारे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं 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 तुम्हें कश्मीरी डांस सीखना चाहिए, लेट्स ट्राई रूप डांस, रूप डांस सीखो. जब हम अपने कल्चर की जो मेन मेन चीजें हैं, म्यूजिक हो गया, फूड हो गया, इन सब चीजों के बारे में जब हमें पता ही नहीं है, हम इसे इतनी प्रोमिनेंटली आगे लेकर ही नहीं आ रहे हैं, तो हमारा कल्चर रिवाइव कैसे करेगा? अगर मुझे बचपन से सिखाया जाता कि नहीं 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 तुझे रूप डांस करना है, जैसे हमें भजन सिखाते हैं, वो वाली चीज तो आती हर घर में होती है कश्मीरी पंडित के, सुबह सुबह भजन चलते हैं और हमें सारे याद होते हैं, चाहे हमें कश्मीरी बोलनी आए नहीं आए, लेकिन हमें सब कुछ याद होता है, हमें समझ आती है. आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि हमें कश्मीरी क्यों समझ आती है. तो जब तक वो वाली चीज नहीं आएगी कि हमें डांस के बारे में नहीं पता चल रहा है, हमें म्यूजिक के बारे में पता नहीं चल रहा है, और इवन इफ समवन कम्स टू मी एंड आस्क्स मी कि तुम्हारी डिशेस क्या हो?